वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, वृक्क, थायराइड और यकृत। तो यहाँ पे इन चार ऑप्शंस में जो आपका सही उत्तर है वो है यकृत। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि वो है लीवर या यकृत। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है दमा, दूसरा है टीबी, तीसरा है डायबिटीज और डी ऑप्शन है ये तीनों। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। अगला प्रश्न, कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब कि आपको इन चार ऑप्शंस में उस पदार्थ का नाम बताना है जो आपको तुरंत एनर्जी दे। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, प्रोटीन, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो शरीर को त्वरित ऊर्जा के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, शरीर में गैसों का विनिमय, शरीर में गैसों का विनिमय मतलब गैस एक्सचेंज किस अंग में होता है। तो पहला ऑप्शन है नासिक गुहा, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है हृदय और चौथा ऑप्शन है धमनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा। अगला प्रश्न, अगर आपसे पूछा जाए कि वृक्क मतलब किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। कार्यात्मक इकाई मतलब कि फंक्शनल यूनिट का नाम बताना है किडनी का। ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट का नाम होता है नेफ्रॉन। या अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सक्रेटरी सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजनी उत्सर्जी मतलब नाइट्रोजन इमिशंस पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। पहला ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है पोटेशियम, सी ऑप्शन है सल्फेट और डी ऑप्शन है यूरिया। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है यूरिया, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न को फिर से देख लीजिए, नाइट्रोजनी उत्सर्जी नाइट्रोजन इमिशंस पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले आपको पदार्थ के नाम बताना है, ये है यूरिया। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है, गले में, मस्तिष्क में, थोरैक्स मतलब वक्ष में, एब्डोमेन उदर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मस्तिष्क में, ब्रेन में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है मस्तिष्क में। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य, ऑक्सीजन का वहन, बैक्टीरिया को नष्ट करना, एनीमिया का निदान और डी ऑप्शन है ये सभी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पूछा गया है मुख्य कार्य, तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना। तो ये जो है कैरियर है ऑक्सीजन का, ठीक है। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है, आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन के भाग क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, या ये कहा जाए घटक क्या होता है। तो ऑप्शन है इसमें क्लोरीन, लोहा, अगला ऑप्शन है सी ऑप्शन सोडियम और डी ऑप्शन है पोटेशियम। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन के महत्वपूर्ण घटक में उस एलिमेंट का नाम पूछा जा रहा है, उस तत्व का नाम पूछा जा रहा है कि जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो वो है लोहा। अच्छा, अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल में वह कौन सा एलिमेंट है जो पाया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, किडनी का मुख्य कार्य क्या है, आपको बताना है कि किडनी का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, दूसरा ऑप्शन है शरीर के तापमान का नियंत्रण, सी ऑप्शन है रक्त दाब का नियंत्रण और डी ऑप्शन है पाचन क्रिया में सहयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना किडनी का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक
मतलब मेन कंपोनेंट बताना है कि क्या होता है। ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है फास्फोरस, सी ऑप्शन है आयरन और डी ऑप्शन है अ और ब, मतलब ए एंड बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है क्या? कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम भी चाहिए प्लस फास्फोरस भी चाहिए। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी है। कान में तीन हड्डियां होती हैं, ठीक, मिलियस, इनकस, स्टेपिस, और दोनों कानों को मिला के टोटल कितनी हो जाएंगी? छह हड्डियां। तो सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की होती है स्टेपिस। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोग जेनेटिक डिजीज कौन से हैं? वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम और ऑप्शन है डी, ये सभी। तो देखिए, मानव शरीर में जो होने वाले अनुवांशिक रोग हैं उसमें ब्लाइंडनेस, मतलब वर्णांधता भी आते हैं। ये ब्लाइंडनेस नहीं है, ये कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ये कलर ब्लाइंडनेस है, ये वर्णांधता, हीमोफीलिया भी जो है वो अनुवांशिक रोग है, टर्नर सिंड्रोम भी अनुवांशिक रोग है। तो इस प्रकार मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोगों में ये तीनों आएंगे, वर्णांधता भी आएगी, हीमोफीलिया भी आएगी और टर्नर सिंड्रोम भी। प्रश्न ये है कि लड़का पैदा होगा कब? एक्स एक्स गुणसूत्र हो तब, या वाई वाई गुणसूत्र हो तब, या एक्स वाई गुणसूत्र हो तब, या एक्स 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 गुणसूत्र हो तब। तो ध्यान दीजिए, लड़का होने की कंडीशन ये है कि गुणसूत्र होना चाहिए एक्स वाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो जिसको हीमोफीलिया रोग होगा उसको कैसे लक्षण दिखाई पड़ेंगे? क्या उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाती है? बी ऑप्शन, रक्त का बहना बंद नहीं होता है। सी ऑप्शन, रक्त बनता ही नहीं है। और डी ऑप्शन है, रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं, या ये कहा जाए कि WBC जो है वो डेड हो जाते हैं। क्या ऐसी कंडीशन होती है हीमोफीलिया में? तो ध्यान दीजिए, हीमोफीलिया में होता क्या है कि रक्त का बहना बंद ही नहीं होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ये होती है हीमोफीलिया नामक बीमारी में लक्षण। तो इस तरीके से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रक्त का बहना बंद नहीं होता है। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिए, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह DNA की एक क्रियात्मक इकाई है, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन है, यह अनुवांशिकी की इकाई है। और सी ऑप्शन है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है। और डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिए, जीन को डिफाइन करने के लिए, जीन को परिभाषित करने के लिए ये तीनों बातें कही जाती हैं। यह DNA की एक क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है, ये भी पॉइंट सही है। यह अनुवांशिकी की इकाई है, ये भी सही है। और यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार जीन के बारे में ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो यहां पे ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण सिंथेटिक सिंथेसिस किसने किया? आपको बताना है कि जीन का सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? ए ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, बी है वाटसन, सी ऑप्शन है हरगोविंद खुराना और डी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हरगोविंद खुराना। इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला, कब? 1967-68 ईयर में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। किसमें? मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में। अगला प्रश्न, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादक का नाम बताना है आपको। मतलब जो ये प्रिंसिपल है प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन, ये किसने बताया था? तो यहां पे ऑप्शंस हैं, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, अरस्तु और हरगोविंद खुराना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का कॉन्सेप्ट है किसका? नेचुरल सिलेक्शन का। तो अगर आपसे पूछा जाए
प्राकृतिक चयन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादक कौन है, किसने ये प्रिंसिपल दिया था? तो चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न, अनुवांशिक जेनेटिक प्लांट चॉइस संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, उन्होंने जेनेटिक अनुवांशिक संबंधी एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा प्लांट लिया था, उस प्लांट का आपको नाम बताना है। तो वो प्लांट था मटर, पीस, ठीक है, और इसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम। अगला प्रश्न, एक वर्णांध व्यक्ति मतलब एक कलर ब्लाइंडनेस में किस रंग की पहचान नहीं होती है? अगर कोई व्यक्ति जो है वो कलर ब्लाइंडनेस बीमारी से ग्रसित है तो कौन से रंग की पहचान नहीं कर पाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर कोई कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है तो वह लाल व हरा में भेद नहीं कर पाता है, तो रेड और ग्रीन ये जो दोनों कलर है उसमें उसको रंग की पहचान नहीं हो पाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? ध्यान से देखिए, किस संघ के, आपको बताना है उस फाइलम का नाम जिसके जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर उनका ऑर्गेनाइजेशन लेबल होता है, ठीक है। तो किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, बी ऑप्शन है पोरिफेरन या पोरिफेरा, सी है सिलेंट्रेटा और डी ऑप्शन है ऑर्थोपोडा। इसका सही उत्तर है प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा आता है। अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, इन सबको प्रोटोजोआ में रखा गया है। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जंतु अमीबा, ठीक, ये है यूनिसेलुलर जंतु, तो एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युगलीना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? अभी मैंने बताया आपको, तो आप पकड़ सकते हैं, ये है प्रोटोजोआ। अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम, लिस्मिनिया डेवोनाई, ये सब प्रोटोजोआ में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? आपको बताना है कि मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। ऑप्शन है त्वचा, क्लोमो द्वारा, फेफड़ों द्वारा, ठीक, और डी ऑप्शन है इन तीनों में, ठीक। तो मेढक जो है इन तीनों के द्वारा श्वसन करता है, त्वचा के द्वारा भी, क्लोमो द्वारा भी और फेफड़ों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यह है कि वास्तविक मछली रियल फिश कौन सी है? स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, हिपोकैम्पस, सी कुकुम्बर। ये सी कुकुम्बर है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिपोकैम्पस, ठीक है, जिसको बोलते हैं सी हॉर्स। सी हॉर्स, ठीक है, सी हॉर्स क्या है, ये है ट्रू फिश, रियल मछली। अगला प्रश्न, मेढक किस वर्ग का जंतु है? ऑस्टिकथीस, एम्फीबिया, सरीसृप, कॉन्डिकथीस। तो मेढक आते हैं एम्फीबियंस में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? आपको बताना है कि मैमल्स के जो हार्ट्स होते हैं उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो ऑप्शन ए है दो, ऑप्शन बी है तीन, ऑप्शन सी है चार और ऑप्शन डी है पांच। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चार। स्तनधारी वर्ग मैमेलियन क्लास में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? भैंस में, बकरी में, मनुष्य में कि ब्लू व्हेल में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बकरी में। बकरी वह मैमल है जिसका तापमान जो है अन्य स्तनधारियों की तुलना में ज्यादा होता है, लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं? आपको बताना है कि मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं। तो मछलियां जो हैं वो गिल से सांस लेती हैं, ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा स्तनधारी, आपको सबसे बड़ा मैमिलियन का नाम बताना है, हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य, ब्लू व्हेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? एमू, कीवी, हमिंग बर्ड, गौरैया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमिंग बर्ड। तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। अगला प्रश्न, कशेरुकी जंतु वर्टिब्रेट के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? इनेमल, दांत, थाई बोन,
रिस्ट बोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इनेमल, ऑप्शन नंबर ए। 12 में श्वसन किस अंग में होता है, 12 में श्वसन किस अंग में होता है? ऑप्शन नंबर है पहला गिल, दूसरा है त्वचा, सी है फेफड़ा और डी है मुंह। तो व्हेल में श्वसन होता है लंग्स के द्वारा। और एक चीज ध्यान रखिए, व्हेल जो है वो मछली नहीं है, वो स्तनधारी में आती है। अगला प्रश्न, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? ठीक, फिर से सुनिए, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? सीटी, भीमा, कॉर्निवोरा, प्राइमेट्स और इंसेक्टिवोरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेट्स। अगला प्रश्न, उत्तकों के अध्ययन सेल टिश्यू स्टडीज संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उत्तकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी। तो उत्तकों के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कोशिकाओं के समूह ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ सेल्स कहलाता है उत्तक, टिश्यू, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, पुनरुत्पादन या पुनरुद्भवन की क्षमता किस प्रकार के उत्तकों में सर्वाधिक होती है? आपको बताना है कि पुनरुत्पादन की क्षमता रिप्रोडक्टिविटी किस प्रकार के उत्तकों में सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, न्यूरोलेजिया या तंत्रिकी या एपिथेलियम। इसका सही उत्तर है उपकला, एपिथेलियम। अगला प्रश्न, शरीर में सभी ऐच्छिक, ऑप्शनल तथा अनैच्छिक क्रियाओं इनवॉलेंट्री एक्शन को नियंत्रित करने वाला उत्तक कौन सा है? पेशी, संयोजी, तंत्रिका या उपकला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका। अगला क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू मतलब तंत्रिका और एपिथेलियल टिश्यू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिव टिश्यू। अगला प्रश्न, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग, अरेखित पेशी उत्तक नॉन लिनियर टिश्यू, ठीक है, या ये है अनस्टेप मसल्स, ठीक है। तो अरेखित पेशी उत्तक कहाँ पे पाए जाते हैं? हृदय में, स्टोमेक में, आहार नाल में कि स्किन में? तो अरेखित उत्तक पाए जाते हैं अमाशय में, बी। अगला प्रश्न, संयोजक उत्तक कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन और ऑप्शन है डी, ये सभी। तो संयोजी उत्तक के उदाहरण है ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, संकुचनशील उत्तक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से जाना जाता है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजक रेखी, स्ट्रिप्ड टिश्यू, ये टिश्यू है ठीक, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक और मसल्स टिश्यू, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संकुचन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। तो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं कि इसमें अगर संकुचनशील उत्तक की बात की जा रही है तो इसमें आएगा पेशी उत्तक, ऑप्शन नंबर डी। कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में, तो इसका ऑप्शन नंबर है डी। अगला प्रश्न, चेतना उत्तक कॉन्शियसनेस टिश्यू किस प्रकार के उत्तक को कहते हैं? उपकला, तंत्रिका, पेशी या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पेशी, तंत्रिका। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन पाया जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में, लसिका में और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों में, ठीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में, रेड ब्लड सेल्स में। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डी ऑप्शन है एड्रेनल ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। अगला प्रश्न, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। तो भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है? तो यह है टाइलिन, ऑप्शन नंबर ए।